हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि गूगल क्रोम और सफारी में बेस्ट कौन सा है। एक्चुअली जब भी हम मैक में स्विच करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है कि सफारी ज़्यादा बेस्ट है या गूगल क्रोम ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम गूगल क्रोम तो हमेशा यूज़ करते रहते हैं, इसलिए हमें ये यूज़ करने में ज़्यादा ईजी लगता है। तो जब भी न्यू कोई मैक परचेज करता है तो वो फर्स्ट काम यही करता है कि गूगल क्रोम को इंस्टॉल करता है। सो इसलिए आप जब भी मैक पे स्विच करते हैं तो आप सफारी को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं और उसी टाइम आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं और उसी को रेगुलर यूज़ करते हैं। लेकिन जब से मैंने सफारी को इस्तेमाल करना शुरू किया है, मैंने इसमें बहुत मेजर डिफरेंसेस देखे हैं, जो कि वन बाई वन मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ। टोटल सिक्स थिंग्स हैं जो मैंने मेजर डिफरेंस इसमें फील की है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कंपेटेबिलिटी। जो सफारी है वो आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल है, इसलिए इसके साथ ये प्रॉपर काम करता है। इस दूसरी बात की आपकी जो सेटिंग होती है, जितनी बुक मार्क्स होते हैं, आपकी हिस्ट्री होती है, वो तो सारी की सारी आई क्लाउड पे स्टोर होती है। तो आप जितनी भी डिवाइस पे आप सेम अकाउंट से लॉगिन करेंगे, आपकी सारी की सारी हिस्ट्री उस पर अवेलेबल होगी। आपके पासवर्ड्स वगैरह बिल्कुल सिक्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल, पासवर्ड जितने ज़्यादा होंगे बंदे को भूल जाते हैं, तो आपने अगर एक ब्राउज सफारी ब्राउजर से सेव कर लिया है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप जब किसी आईफोन से या आईपॉड से आईपैड से लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से कंटिन्यू कर देगा। इसके अलावा ये आईफोन के साथ कंपेटेबल है, डॉक ऑफ का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप मैकबुक पे ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपने आईफोन पे देखना है तो आप डॉक ऑफ करें तो इमीडिएटली वेबसाइट आपने जहाँ तक ब्राउज की हुई है वहीं से आईफोन पे कर लेगा और उससे आगे कंटिन्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो अगर यूट्यूब पे 10 सेकंड की देखी है तो वहाँ से आप डॉक ऑफ करते हैं तो आईफोन वहीं से आपको नेक्स्ट प्ले कर देगा, आपको शुरू से ब्राउज करने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी ब्राउजिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी इसके साथ कंपेटेबल हो जाती है। और जो इसमें आप दूसरी चीज़ नोट करेंगे कि सुपर सुपर फास्ट है, क्योंकि कंपेटेबिलिटी की वजह से ये उसके साथ ज़्यादा कंपेटेबल है और ब्राउजिंग वगैरह ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है एज कम्पेयर टू गूगल क्रोम। गूगल क्रोम उतनी बेस्ट ब्राउजिंग मैकबुक पे नहीं करता, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आपको बता रहा हूँ कि ऐसी वर्किंग सफारी की है इसके साथ और वैसा गूगल क्रोम इसके साथ वर्क नहीं करता। और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें, थर्ड चीज़ है, वो है बैटरी सेवर। जो आपका मैकबुक है वो स्पेशली फेमस भी इसीलिए है कि एक तो इसकी स्पीड बहुत आला है और दूसरा इसकी बैटरी बहुत अच्छी होती है। आप अगर आप नॉर्मली ब्राउजिंग करना शुरू करते हैं तो आप 7 से 8 घंटे तक इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं और 10 घंटे तक भी जा सकती है। लेकिन अगर यही चीज़ आप गूगल क्रोम पे करते हैं तो मैक्सिमम भी 3 से 4 घंटे निकालेगा, और अगर तो आप वीडियो को यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइमिंग और भी नीचे आ जाएगी। तो बैटरी सेव करने के हवाले से भी आपका जो सफारी है वो बेस्ट ऑप्शन है, ये जहाँ से आपकी बैटरी बच सकती है वहाँ से बचाता है, उसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं होने देता। अगर आप सोर्स में देखें, टास्क में जाके देखें, तो जो सफारी बैटरी यूज़ करता है वो बहुत कम करता है एज वेल कम्पेयर टू गूगल क्रोम। और इसके अलावा सफारी में बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंशंस हैं, लाइक इसमें एंड्रॉयड और एप्पल का जो ज़्यादा बिग डिफरेंस है ना, जो मैं आज तक समझ पाया हूँ कि एंड्रॉयड जो है या जैसे विंडोज़ है ना, बेशुमार ऑप्शन दे देते हैं जिनमें से काम की कोई चीज़ें भी नहीं होती, रिलायबिलिटी ही नहीं होती। इसी तरह अगर आप ये मैक सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं करते हैं सफारी पे, तो एक्सटेंशन इसमें थोड़ी सी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लाखों की तादाद में नहीं है, सिर्फ चंद 100 हैं बल्कि 1000 तक होंगी, लेकिन वो सारी की सारी एक्सटेंशन आपके काम आती हैं। लाइक आप जब भी ब्राउजिंग करना शुरू करते हैं दरमियान में ऐड आना शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा अनॉइंग चीज़ होती है कि जब आप यूट्यूब पे कोई बहुत देख रहे होते हैं चीज़ ध्यान से, तो दरमियान में एक ऐड आ जाता है, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे तो कोई नहीं लगती। तो इसमें एक बहुत ग्रेट एक अभी शो करवाता हूँ एक्सटेंशन है ऐड ब्लॉकर, अगर आपने वो इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको कोई भी ऐड जो है वो आपके ना किसी यूट्यूब पे वीडियो पे आएगा और ना ही वेब ब्राउजिंग के दरमियान आएगा, तो आप इजीली इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत काम की एक्सटेंशन मौजूद है, और सबसे इसमें बड़ी बात है जो एक्सटेंशन से हम छोटी छोटी ऐड करते हैं ना, ये हमारे पीसी को डाउन करता है, मैकबुक की स्पीड को कम करता है, सफारी की स्पीड को कम करता है। तो जब आप इसको करेंगे इंस्टॉल
ये आपको इमीडिएटली बता देगा कि ये एक्सटेंशन आपके सफारी को स्पीड कम कर रही है और आप इसको रिमूव कर लें। तो ये आप पे आप उसको रिमूव करना चाहते हैं कि ये नहीं। और इसमें जो पांचवी चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑनलाइन प्राइवेसी डिफेंडर। आप सबको पता है जैसे साइबर क्राइम जितने ज़्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम जितने ज़्यादा है, बैंकिंग इवन के बैंकिंग सिस्टम हैक हो जाते हैं छोटे सिविलियंस के, तो बहुत आम सी बात है। तो ये जो छोटे विंडोज़ पे होते हैं, क्रोम वगैरह होते हैं, उनपे एक्चुअली हैकिंग ज़्यादा आसान है। लेकिन जब सफारी आप यूज़ करते हैं तो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी कंट्रोल है। इवन अगर आप माइक यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी भी आपसे परमिशन लेगा, आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं वो उसकी भी परमिशन लेगा। एज वेल कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा लाइक मैंने पासवर्ड अपने रखे होते हैं, मेरे जितने अकाउंट हैं उसके सारे के सारे पासवर्ड्स सफारी के अंदर मैंने सेव किए हुए हैं। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि वो मेरे अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल मेरे फेसबुक का मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें सेव किया हुआ है, तो अगर मैं किसी मोबाइल पे खोलता हूँ जिसमें सेम आई क्लाउड आईडी है तो वहाँ पे भी मुझे वो सेव ही मिलेगा। मुझे याद रखने की या वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मेरा ओवर है और वहाँ पे मेरा पासवर्ड ओवर है, या मुझे याद करना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है सिक्योरिटी, कि जितने भी आपके पासवर्ड लाइक क्रेडिट कार्ड्स, आपने डाटा इसके अंदर सेव किया हुआ है वो सिक्योर है। एप्पल इस चीज़ को इंश्योर करता है, प्राइवेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है कि आप कोई भी जो इंफॉर्मेशन है आपकी परमिशन के बगैर ना कुछ यूज़ कर सके। और इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम वेबसाइट्स हैं, लाइक कुछ हैकिंग वेबसाइट्स होती हैं, लाइक कुछ लोग लिंक सेंड करते हैं आपको हैक करने के लिए, तो यूं ही अगर वो डिटेक्ट करेगा सफारी उसको, बहुत इमीडिएटली उसको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पे आपको वो एक निशान दे देगा ट्राइंगल का कि आप इसको क्लोज करें या इसको रिमूव करें, ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेबसाइट्स को ट्रैक नहीं करने देता आपको, लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स आपकी डाटा इकट्ठा कर रही होती हैं, पर्सनल डाटा इकट्ठा कर रही होती हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जब भी हम कोई वेबसाइट्स खोलते हैं तो उस पर उन्होंने कुछ एड्स होते हैं और कुछ वीडियोस ऐड होती हैं, जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं वो ऑटो प्ले होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारा इंटरनेट की स्पीड स्लो करता है और दूसरा ओवरऑल मैक और सफारी की स्पीड भी डाउन होती है। तो सफारी इस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है कि कोई भी वीडियो आपकी ऑटो प्ले ना हो। हाँ, अगर आप अलाउड करना चाहें तो सेटिंग में जाके अलाउ कर सकते हैं, फॉर स्पेसिफिक वेबसाइट्स भी कर सकते हैं और ओवरऑल भी कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट इसको बंद किया होता है ताकि आपकी स्पीड ऑन ना हो और कोई भी वीडियो ऑटो प्ले ना हो। ओके, ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है, आप सबको दोस्तों के पेशेंस का बहुत थैंक्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपके बहुत यूजफुल होगी और आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको क्या करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।